These headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. आज पाकिस्तान की तरफ से किए गए 26/11 मुंबई अटैक्स की 10वीं सालगिरह पर शहीद हुए लोगों को जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। आज के ही दिन और हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं भगवान से, प्रभु से, कि जो उनके जो परिवार हैं, जो उनके उनको भगवान ने सहन शिक्षा दी है, उनके बच्चे अच्छे खुले फुले, सरकार भी उनके लिए काफ़ी कुछ कर रही है और हम सब लोग भी मिलकर उनको दुआ दे रहे हैं। लेकिन जब से हमारी जब पूरे देश के अंदर सरकार बनी है, नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने जाए अपने इस देश के, उसके बाद उन्होंने और हमारी सारे जितनी भी उनकी कैबिनेट है, सब लोग मिलकर, हम सब जो आज यहाँ आए हैं, हम सब इसके टेररिज्म के खिलाफ आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है वो खड़ा हो गया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज राजभवन के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वार्ता में बोलते हुए जेडीयू स्टेट प्रेसिडेंट ने गवर्नर के किए गए कामों की सराहना की। जैसे आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से बड़ा, जब से नए गवर्नर साहब आए हैं तो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शायद इनके काम से कुछ नहीं थे, क्योंकि ये करप्ट नहीं है और इन्होंने क्योंकि करप्शन का जो मामला था उसको साफ करने की कोशिश की। चाहे इन्होंने आपका जो लैंड माफिया रहा, चाहे डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन था, चाहे सेक्रेटरीट के अंदर करप्शन के जो मामले थे, और जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, खासकर कांग्रेस ने सरकार बनाने का बड़ा दावा दिया था। ये भी कहा था कि शायद क्या कहते हैं गवर्नर साहब उनकी बात के रेस्पॉन्स दे रहे हैं और उनका एक्स मशीन काम नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती का खासकर की बयान था, जबकि अगर देखा जाए जो महबूबा मुफ्ती का जो अरसा रहा पिछले तीन सालों में, चार सालों में जो उनने काम किया, तो चार सालों में जो उनका दफ्तर था, अगर हम ये देखें तो आम लोगों के लिए उनका दफ्तर बंद था, इन गवर्नर साहब का दफ्तर कभी बंद नहीं रहा। थंगता इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन करने वाले जम्मू के दो सपूतों का जम्मू में जोरदार स्वागत हुआ। बता दें मणिपाल में खेली गई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरा नाम आदित्य सिंह जम्बाल है, ठीक है, हम दोनों जम्मू के रहने वाले हैं। हमारी गेम का नाम थंगता मार्शल आर्ट है, जो हम काफ़ी देर से खेल रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम सिलेक्टेड हुए थे दोनों ही, तो हम दोनों ने फर्स्ट टाइम सिलेक्टेड किए तो हमारे मणिपुर में हुआ था इसका कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई है और हम दोनों की सिलेक्शन हुई है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो थाईलैंड में होगा। तो अभी हम दोनों जो हमारी टीम इंडिया है और भी हमारी टीम के हिस्से थे वो कश्मीर के थे, लेकिन वो हमारे साथ आ नहीं पाए क्योंकि फ्लाइट थी, हम चेंज करके आ गए। तो उनकी मेडल की और हमारे मेडल को कंबाइन करके और इंडिया हमारा नंबर वन पे आया वहाँ पे। इंडिया की फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन नेपाल की थी। तो ऑल JNK PHE ITI ट्रेंड वर्कर्स द्वारा आज प्रेस क्लब के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया गया। डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन की सपोर्ट में हुए खड़े। PHE डेली वेजर एसोसिएशन का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करता हूं। आज हमारी स्ट्राइक 7 सितंबर से कंटिन्यू चल रही है, जिसके चलते हमें झूठे आश्वासनी मिले, चाहे वो चीफ साहब ने दिए या सेक्रेटरी ने दिए, लेकिन ये जो गवर्नर साहब ने कमान संभाली है और इंडिपेंडेंट आज JNK की रियासत के वो मालिक हैं और हमारा, हमें एक किरण जगी है कि आज गवर्नर साहब हमारा काम करेंगे और इतिहास गवाह है। जब भी डेली वेजरों का काम हुआ है तो गवर्नर साहब के हाथों ही हुआ है। जो पीछे हमारे साथी परमानेंट हुए हैं वो भी गवर्नर साहब ने ही किए हैं, जो पिछले गवर्नर थे, लेकिन आज भी हम उम्मीद करते हैं अपने गवर्नर साहब से और अपील करते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी करें। जो पेंडिंग मेजर, खासकर जो 5 साल की पेंडिंग पड़ी हुई है वो हमें दी जाए। जिसके श्रीनगर में सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों की सपोर्ट में हुर्रियत लीडर्स द्वारा दी गई बंद की कॉल का दिखा असर, मुख्य बाजार रहे बंद। प्रदेश में चौथे चरण के पंचायती चुनावों के लिए पोलिंग पार्टीज को किया गया रवाना। 9 चरणों में से कल होंगे चौथे चरण के लिए चुनाव। रामनगर ब्लॉक में हमारा फोर्थ फेज में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसमें हमारे 134 पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं। पंचायत इसमें 18 पंचायत हैं और
इनकी जो काउंटिंग है वो हमने 5 जो आर ओ हेडक्वार्टर्स है वहाँ रखी हुई है। अभी तक हमारी ऑलमोस्ट सारी पोलिंग पार्टीज जो है वो हमने रवाना कर ली है और पीसफुली और अच्छे तरीके से मतदान हो, चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कल सुबह शोपियां में हुए एनकाउंटर में मारे गए 6 आतंकियों के बाद घाटी में पिछले 4 दिनों में 16 आतंकियों को किया सेना ने ढेर। सेना में इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।